हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अभी मुझे केशव लाल अग्रहरी स्मृति अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप भी कड़ी मेहनत करिए और केशव लाल अग्रहरी स्मृति अवार्ड को पाइए। मैं आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित और सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा। दोस्तों, जब कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में प्रवेश कराता है तो वह शिक्षक जो होता है उसके साथ एक साल का लंबा यात्रा तय करता है और इस यात्रा में वह शिक्षक जिस तरह कुम्हार घड़े को ढालता है उसी तरह शिक्षक भी उस छात्र को इस तरह ढालता है कि वह जग में जाकर अपना नाम रोशन कर सके। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ के अध्यापक इतने कुशल है कि अगर कोई विद्यार्थी अच्छी से मेहनत करे तो मैं ये आश्चर्य इसमें कहने में कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगला टॉपर यूपी टॉपर इसी विद्यालय से होगा। धन्यवाद। बच्चों, जैसा कि अभी प्रदीप ने अपनी आपके साथ शेयर की, मैं आपको बताऊं कि 2020-21 के बच्चे हैं इनके साथ मुझे रहने का अवसर मिला, इनको पढ़ाने का, इनको कक्षा में देखने का अवसर मिला। वास्तव में ये बच्चे बहुत ही सौम्य रहे, इसलिए आपसे बार बार मैं एक बात कहती हूँ, विनम्रता और सौम्यता बहुत जरूरी है। अगर किसी से आपको सीखना है तो पहले आपको उसके ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। अपने अध्यापकों का सम्मान करिए, उन पर विश्वास करिए और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करिए। आप इनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक बात है ना? एक बात कि 2000 ये दो साल का था पुरस्कार, ठीक है। पिछले वर्ष 2021 में तो एक छात्रा थी, लेकिन तो ये 21-22 का पुरस्कार था, इसमें कोई बेटी नहीं थी, ये बहुत खबरा था मुझे। मैं उम्मीद रखती हूँ कि हमारी जो इस सेशन की बेटियां हैं वो एक पुरस्कार तो यहाँ से ले जाएंगी ना, जोर से बोलो। ठीक है, देखती हूँ, निराश मत करना।